हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आज हम हम डिस्कस करेंगे कि दिसंबर में कार लेना सही डिसीजन होता है या नहीं होता है या फिर आपको जनवरी फेबररी का वेट करना होता है वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो स्टे यून फॉर दैट अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं इस टॉपिक पर तो हाँ जी अगर आपको डाउट है कि आपको दिसंबर में गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए या फिर आप प्लान कर रहे हो गाड़ी आ, अभी लेने के लिए दिसंबर या जनवरी में तो ये वीडियो आपके लिए प्लीज़ बिना स्किप करे इस वीडियो को देखना हम सारे पॉइंट्स कवर करेंगे कि गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए कितने डिस्काउंट्स ऑफर हो रहे हैं हर मतलब जो मोटर जितनी भी कंपनीज हैं हमारे पास ऑटोमोबाइल की वो कितना डिस्काउंट ऑफर करती है कौन सी कार्स पे आपको डिस्काउंट्स मिलता है और आपको वो डिस्काउंट अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो आते हैं हम अपने पहले पॉइंट पे कि आपको कार परचेज करनी चाहिए आडिंग तो अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ ये बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है सबके डिफरेंट हो सकते हैं आई रिस्पेक्ट एवरीवनस ओपिनियन तो आप कमेंट करने से पहले पूरी वीडियो देखना तो अगर हम बात करें दिसंबर की तो आपको अगर पता हो आ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर दिसंबर में या नवंबर में अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं वो दो महीने का लाइग लेके चलती हैं मतलब दो महीने पहले की जो गाड़ी होती हैं उन गाड़ियों की डिलीवरी मिलती है आपको जैसे अगर आप दिसंबर में गाड़ी ले रहे हो तो आपको आ, जहाँ तक है अक्टूबर की गाड़ी मिलेगी और सेम ऐसी आप, आपका कैरी फॉरवर्ड होता है वो हॉल्ट में चलती है आपकी जो प्रोडक्शन होती है ना थोड़े बहुत हॉल्ट में चलती है जो डिलीवरी टाइम होता है वो आपको ऐसा नहीं होता कि डिसंबर में आपको डिसंबर की ही कार मिल रही है वो भी आपको पीछे वाले मंथ्स की मिलेगी करंट मंथ की नहीं मिलती है कभी भी कोई कार या आप चेक भी कर सकते हो तो फिर ये पॉइंट पे आना कि डिसंबर में कार क्यों नहीं लेनी चाहिए डिसबर में लोगों को ये मिथ है कि दिसंबर में अगर कार लेंगे तो उनका जो मॉडल है वो पुराना हो जाएगा और जनवरी में जाके उनका मॉडल नया हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होता मॉडल आपकी गाड़ी का डिसाइड करता है उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर अगर वो 2023 नहीं है तो वो 2022 ही आपका मॉडल रहेगा भले ही आप उसका रजिस्ट्रेशन जो करा रहे हैं वो आप जनवरी में करा रहे हैं बट कार आपकी वो 2022 का ही मॉडल रहेगा अब अगर बात करूँ मैं अपने एक्सपीरियंस की तो जो मैंने ब्रेजा ली थी मैंने खुद ही दिसंबर में मैंने बिल करा ली थी बट इसका जो रजिस्ट्रेशन था वो मैंने जनवरी में कराया था वो भी मैं आपको आगे आगे वीडियो में बताऊँगा कि आप कैसे कर सकते हो और क्यों वो अच्छा ऑप्शन है तो आप अगर दिसंबर में गाड़ी ले रहे हो तो क्लियर कट बात यह है बिल्कुल ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आप चाहे जनवरी में लो या फेबर में लो आपको मॉडल ट्वेंटी ट्वेंटी टू का ही मिलेगा भाई नया नहीं आता है नया आपको जाके मार्च में मिलेगा अगर आपको प्रोडक्शन ईयर से मतलब है ना तो वो आपको डायरेक्ट जाके मार्च में मिलेगा ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए मतलब 2023 के लिए आपको अगर वो ही मैन्युफैक्चर्ड का चाहिए तो मार्च तक आपको वेट करना ही पड़ेगा अब अगर हम बात करें क्यों हमें वेट नहीं करना चाहिए अगर आपको श्योरिटी है जिस कार के लिए भी आप जा रहे हो उसका कोई फेस नहीं आने वाला है और आ, मतलब उसकी अगर वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है तो वैसे ही वो कार आपको मिलनी बहुत मुश्किल है आपको उठा लेनी चाहिए जैसा आजकल चल रहा है कि इतना वेटिंग पीरियड है कि लोगों को साल साल भर तक वेट करना पड़ रहा है एक कार को लेने के लिए तो अगर आपकी डिलीवरी शेड्यूल्ड है दिसंबर में तो आपको बिल्कुल ले लेनी चाहिए अब मैं बताता हूँ आपको कि आप अगर दिसंबर में लेते हो तो आपको फ़ायदे क्या होते हैं फर्स्ट आपके पास जो भी डीलर के पास लॉट पड़ा होता है वैसे आजकल वो चीज़ नहीं है वो पहले होता था कि उनके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़ा है तो वो निकाल रहे हैं उसको इसलिए आपको डिस्काउंट्स मिलते थे अगर आप देखोगे और आप ये जाके चेक भी कर सकते हो किसी भी कंपनी की मतलब शोरूम में जाके आप चेक कर लो कि जो प्राइस हैं वो आपको कहीं पर भी कम नहीं मिलेंगे उन कार्स के लिए जो जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है तो अगर मैं बात करूं कॉम्पैक्ट से ये कॉम्पैक्ट अपना ये एसयूवी वाले सेगमेंट में तो आपकी जितनी भी कार्स हैं उनकी सबकी डिमांड है उनमें डिस्काउंट की तो बहुत दूर की बात है आपको बहुत लंबी चौड़ी वेटिंग मिलेगी और डिलीवरी मिलने के भी चांसेस बहुत कम है तो उसमें आप डिस्काउंट बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना डिस्काउंट आपको मिलेंगे उन कार्स पे या तो जो बंद होने वाली हैं जिनका कोई फेस लिफ्ट नहीं आने वाला या फिर आ, उनकी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उन पर आपको डिस्काउंट मिल सकता है और वो चलती भी नहीं है कार जैसे आप ले सकते हो होंडा में होंडा की कार्स हैं तो होन्डा में आपकी जैज हो गई और जैज और एक और डब्ल्यू आर वी इन दो कार्स पे आपको हमेशा डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि बैकएंड से इनका प्रोडक्शन ही बंद हो गया है जो भी उनका लेफ्ट स्टॉक है वो उसे निकाल रहे हैं बस तो वो कार्स बिल्कुल आपको अवॉइड करके चलनी है वो कार्स मत लेना बहुत पछताओगे क्योंकि वैसे ही वो मार्केट में चली नहीं है वो बेचने के लिए मतलब बहुत परेशान है उन्हें कि कैसे बेचे बहुत आउटडेटेड भी हो गई हैं सेकेंडली हम आते हैं कि अगर आ, आपको डिस्काउंटेड कार चाहिए या फिर आपको चाहिए ही कि भाई आ, मैं अगर डिसंबर में ले रहा हूँ तो मेरे को कोई बेनिफिट्स मिलने चाहिए तो डेफिनेटली आपको मिलते हैं अगर आप दिसंबर में गाड़ी बिल कराते हो तो जनवरी के जो प्राइस हाइक होते हैं उनसे आप बच जाते हो अगर आपको अभी से न्यूज में आने लगा है वैसे कि मारुति अपनी कार के प्राइस बढ़ाने वाला है होंडा भी बढ़ाने वाला है किया बढ़ाने वाला है मर्सिडीज वगैरह सब अपनी कार के प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे ये हर साल होता है मतलब कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है तो उससे भी आप अवॉइड करोगे तो वो एज अ डिस्काउंट भी आप समझ सकते हो कि आपको डिस्काउंट मिला है क्योंकि थोड़ा बहुत रेज नहीं होता है टू तो बी वेरी फ्रेंक तीस चालीस हजार रुपये मिनिमम वो अपनी कार का प्राइस बढ़ा देते हैं एक शुरू तो वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है और आपको मॉडल सेम मिलता है ये आपको समझना पड़ेगा कि आपका मॉडल सेम रहता है रजिस्ट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता अगर आप रीसेल के पर्पज से सोच रहे हैं कार लेने का तो उसमें मॉडल इफेक्ट करेगा बट अगर आप नॉर्म्स के हिसाब से चलोगे कि आप कितने साल गाड़ी चला सकते हो तो वो आपके रजिस्ट्रेशन पे मैटर करता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है वो पूरी चीज उस पर मैटर करती है तो सिंपल सी चीज़ है अगर आप कोई नई कार ले रहे हो और आप उसे ज्यादा नहीं रखने वाले हो आपको निकालनी है तो आप बिल्कुल मत लेना डिसंबर में कार क्योंकि मॉडल पुराना हो जाएगा आपका आप मार्च में लेना मार्च तक आपको वेट करना ही पड़ेगा और अगर आपको लंबी कार रखनी है मतलब 10 साल 15 साल आपको गाड़ी चलानी है तो यार फिर आप ले सकते हो आप जैसे मैंने किया दिसंबर में मैंने बिल कराई थी अपनी ये कारसा ट्वेंटी एट दिसंबर को मैंने ये बुक मतलब इसकी बिलिंग करा दी थी पूरे पैसे चले गए थे बट मैंने होल्ड पे डलवा दिया था इसका रजिस्ट्रेशन ना वो मैंने उन्हें बोला था आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस में देना सेकेंड ऑफ जनवरी को और उसी दिन मैं कार की डिलीवरी लूंगा कार तब तक आई भी नहीं थी उनके पास बट मैंने बिल करा ली थी पहले उससे क्या होता है जो इंक्रीज हुए थे इसके प्राइसेस थर्टी फाइव थाउजेंड का इंक्रीज़ था वो मुझे नहीं बियर करने पड़े गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन कॉपी है उसमें मेरी जो डेट आई है आपको पता होगा सिक्स सेवन डेज लग जाते हैं रजिस्ट्रेशन होने में आर में जाने के बाद भी तो ट्वेल्थ ऑफ जनवरी मेरी रजिस्ट्रेशन डेट है तो यार नई साल की गाड़ी हो गई आपने पैसे भी बचा लिए आपका मॉडल भी सेम ही रहेगा भले ही आपके बात को ही ले रहे हैं ना अगर जनवरी में भी उसका मॉडल सेम ही रहेगा आप चेक कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग ईयर होता है जो मॉडल है आपकी कार का उससे ही आपकी जो वारंटी होती है वो भी उसी से स्टार्ट होती है ये डीलरशिप्स नहीं बताती बट आ, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग ईयर होता है ना जो बिलिंग डेट है वहीं से वो आ, आपकी चालू हो जाती है चीजें जो आपका मॉडल है वहीं से कंसिडर होता है जब आप रीसेल के लिए जाते हो तो जो आपका मॉडल बताया जाता है रीसेल में वो वो बताया जाता है जो उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर है तो अगर रीसेल के पर्पज़ से आप गाड़ी ले रहे हो तो मतलब लो अगर आप पर्सनल पर्पज़ से ले रहे हो और आप चाहते हो कि भाई आ, मैं दस बारह साल या सात साल भी चला रहा कार के मजे लेने हैं इतना नहीं सोचना रीसेल के लिए तो और इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं तो इतना फर्क नहीं पड़ता है रीसेल में भी अब वो पहले पड़ता था कि लोग बहुत ध्यान से देखते थे यार ये तो वो वाला मॉडल है ये तो नहीं लेंगे इससे लेटेस्ट वाला लेंगे अब ऐसा नहीं है इतनी वैल्यू नहीं गिरती है आपकी कार की लोग मेनली रजिस्ट्री ही देखते हैं तो ये एक ऑप्शन है आपके पास और डिस्काउंटेड कार्स में मतलब जो आपको अभी बहुत सारे ऑफर्स दिख रहे होंगे <laughs> कि एक लाख का डिस्काउंट और फिफ्टी थाउजेंड और एक्सचेंज बोनस यार ये सब ना डीलर्स के तरीके होते हैं आपको फंसाने के उन कार्स को आपको चिपकाने के जो उनकी बिकनेरी है उन कार्स को चिपकाने के लिए जो डैमेज हैं उन कार्स को चिपकाने के लिए जो डिस्प्ले पे थी या फिर वो डेमो कार्स थी तो इन चीज़ों से बचें नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी चीज़ पे आएगी कि डीलर्स से कैसे आप अपने को बचा सकते हो ये जो डिस्काउंट का पूरा आपके आसपास चलता है ना कि डिस्काउंट मिल रहा है सर डिस्काउंट इतना डिस्काउंट हम दे देंगे इतने में ले लो बिना चेक किए मत लेना पछताओगे बहुत ज़्यादा तो नेक्स्ट uh, वीडियो उस पर ही होगी सो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना uh, आगे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा जिस तरीके का कंटेंट आप चाहते हो आप कमेंट भी कर सकते हो मैं आपके लिए पर्सनलाइज मतलब जितना भी मैं चाहता हूँ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जो देखना चाहते हैं वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊँ तो प्लीज़ आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक्स पे आप चाहते हैं और अभी मैं होके आया हूँ नैनीताल तो वो सीरीज़ भी आपको देखने को मिलेगी कि नैनीताल में कैसी चलती है गाड़ी और आ, कैसे आप मतलब लर्निंग वाले भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पे सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट आप लोगों का सपोर्ट ही सब कुछ है मेरे और ऐसे ही मैं कंटेंट लाता रहूँगा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय